क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। अश्विन, ये तो मरी हुई है। लगता है लूट हुई है। शुभम, दुल्हन को किसी ने लूट के मारा है। मैं पुलिस को कॉल करता हूं। से किसने फोन किया था? सर, मैंने फोन किया था। लाश को पहले किसने देखा? सर, मुझे नहीं पता, ये लोग सब खड़े हुए थे, लाश पड़ी हुई थी, तो मैंने इमीडिएटली आपको कॉल किया। सर, लगता है इसकी शादी अभी हाल ही में हुई है। शक्ल सूरत से तो नाबालिग लगती है। सर, इसके शरीर से सारे गहने गायब हैं। ऐसा तो नहीं किसी ने इसकी गहने लूटकर इसकी हत्या कर दी हो? ये भी तो हो सकता है उदय सिंह, कि किसी आशिक ने शादी से दुल्हन को अगवा कर लिया हो और उसके बाद उसकी हत्या करके यहाँ फेंक दिया हो, और बाद में किसी ने उसके गहने जो है उतार लिए। आप ठीक कहते हैं सर, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम ऐसा करो कि लाश को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और सारे थाने में पोस्टर लगवा दो। हो सकता है किसी ने अगवा या गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई हो। आओ जी, चलो। सर, कुछ पता चला कौन थी वो लड़की? सर, हमने सभी थानों में उसकी फोटो फ्लैश करवा दी है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान के लिए कोई भी आगे नहीं आया है। सर, किसी कुमारी लड़की के गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी नहीं है। और सर, इस एज की किसी भी लड़की का रिपोर्ट दर्ज नहीं है थाने में। बड़ी अजीब बात है उदय सिंह। सर, मुझे लग रहा है कि ये लड़की किसी दूसरे स्टेट की है और यहाँ उसको कोई पहचानता भी नहीं होगा। उदय सिंह, एक कम उम्र की नाबालिग लड़की दूसरे जगह से यहाँ अकेले नहीं आ सकती, और कोई उसके गहने लूटने के लिए तो नहीं लाया होगा। सर, शायद आप ठीक कह रहे हैं। मुझे भी ये मर्डर लूट के इरादे से किया गया नहीं लग रहा है। हो ना हो, इसमें कोई गहरा राज छुपा हुआ है। एक 17 साल की लड़की की लाश जो दुल्हन के लिबास में थी, फिर भी लावारिस थी। ना पति, ना बाराती, ना मैके वाले, ना ससुराल वाले, कोई भी उसकी सुध लेने वाला नहीं था। आखिर क्यों? वैसे कहते हैं कि शादी के बाद लड़की की एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, लेकिन इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन बनते ही उसकी जिंदगी का अंत हो गया? क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में एक नाबालिग दुल्हन से संबंधित एक घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर और देखकर आपको यकीन नहीं होगा। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन। इस घटना के बारे में बताने के लिए आप सबको ले चलती हूँ उदयपुर के नजदीक अम्बासा। आइए चलते हैं। देव जी, आप हैं सेठ जेठाराम जी, कपास के बहुत बड़े व्यापारी हैं। गनी कामा जी। बस हम यही चाह रहे थे कि एक बार थारी गंगा को देख लेवेंगे ना, तो अगर पसंद आ गई तो हाथों हाथ रिश्ता पक्का कर देवेंगे और शुभ मुहूर्त निकाल के ब्याह भी करवा देंगे। क्यों सेठ जी, ठीक है ना? अरे मंगला, अपनी भतीजी ने लिया, कमर से आ गए। खम्मा घनी कवर सा घनी कांबा जी, बस यो एक ही धन है हमारे पास, तो मारी छोरी गंगा।
अब आपने पसंद आ जावे तो फिर बात आगे करा। गंगा, हाँ हाँ हाँ, कितना पवित्र नाम है ना पंडित जी। पंडित जी छोड़ी तो मुझे पसंद है, यही बनेगी मेरी सपनों की रानी। लेकिन पंडित जी, दान दहेज में फूटी कौड़ी भी ना दे सकूंगी, ये अच्छी तरह से जान लो। दान दहेज की बात कौन कर रहा है? मुझे तो आपकी बेटी दो जोड़े कपड़े में विदा कर दो। मेरे पास भगवान का दिया हुआ बहुत संपत्ति है, नहीं है तो सिर्फ। पंडित जी, मुझे गंगा पसंद है, मैं तो गंगा से ही शादी करना चाहता हूँ। आज अभी मेरी शादी करा दो। अरे अरे अरे, अभी नहीं अभी नहीं, सबर रखो सेठ जी, जल्दी कोणी। अरे कल का मुहूर्त तो वैसे भी निकलने वाला है, नहीं एक रात की तो बात है, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। यो सब क्यों हो रहे हो मासा? हाँ क्यों हो रहे हो ये सब? और गंगा, मारी बहन गंगा अभी नाबालिक है, नाबालिक, और थम सब लोग मिलके उसका ब्याह करने लग रहे हो, और वो भी इस खुसर से। अरे महेश, ये कोई मामूली मानस ना है, अरे बहुत बड़ा घराना है इनका। कवर सा, हमारी छोरी गंगा को बहुत खुश रखे, और चढ़ावे में 25 तोला के जेवर चढ़ा रहे हैं। हाँ, 25 तोले के सोने के जेवर ही नहीं, 5 किलो की चांदी और 5 लाख नकदी भी। मेरी सारी संपत्ति तो गंगा की है, अरे यही है मेरे सारी संपत्ति की मालकिन। पर मासा, गंगा की अभी उम्र को नहीं हो ब्याह की, और जे ये बात बाहर किसी ने भी बेरा लग गया ना कि हम सब लोग एक नाबालिग का ब्याह करन लग रहे हैं, तो सबने जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। अरे तो ढिलोरा पीट के थोड़ी ब्याह करनी है, अरे हम तो कहीं भी चुपके से ब्याह कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, है ना सेठ जी? सेठ जी के साथ ब्याह करके सुखी हो जावेगी तारी बहन महेश, मने तो बड़े मानस लागे सर। मैं तो बस इतना चाहूं कि हमारी बहन ने किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना होए, और जे हमारी बहन ने कोई भी तकलीफ हुई ना, तो मैंने 2 मिनट नहीं लगेंगी थाने में रिपोर्ट लिखवाने में। तकलीफ? कैसी बातें करते हो साले साहब, फूलों पर चलेगी थारी बहन, पलकों में बिठा के रखूंगा इन्हें मैं। महेश, थारी बहन का जीवन संवर जावेगा बेटा, और इतने भले मानस से शादी करके सुखी रहेगी, मारे को भी ऐसा ही लागे। ठीक है मासा, हम सब लोग बड़े हो, थारी राजी में ही मारी भी राजी है। आज तो मैं ब्याह पक्का समझू ना? पक्का जी पक्का, अब इनके हाथ में गंगा का हाथ सौंप कर हम भी गंगा नहा लेंगे। तो फिर इसी बात पे मुंह मीठा हो जाए। क्यों री, घूंघट में तो आंखें ना बड़ी तरेर तरेर के देख रही थी। तू भी तो अपनी बहन को देख के लार टपका रहा था। हा? क्या करूं, तो ऐसी आफत की पुड़िया लग रही थी ना, मेरा बस चलता तो वहीं लपेट लेता तुझे। और जो तेरी खोटी नीयत को कोई देख लेता तो बोलना खुल जाती कि अब भाई बहन नहीं कुछ और है। भाई बहन की नीयत पे जो शक करे उसकी नीयत भी खोटी समझो। के करण लाग रहा हो तुम? अरे तुमने थोड़ी शर्म है कि नहीं? अरे वो जेठाराम ने जरा से सी भी भड़क पड़ गई ना तो शादी तोड़ देवेगा। बड़ी मुश्किल से कवारी और नाबालिग छोरी की खातिर इतना इतना चढ़ावा देने लग रहा है वो। कैसे खबर लगेगी उसने? उसने कौन बताने थोड़ी ना जावेगा। देख छोरी मारे मुंह मत लाग, घनी रात हो गई है, चल मारे साथ। और महेश तू भी सो जा, कल सुबह उठ के सारा शादी का काम निपटा रहा है, मारे को तभी चैन आवेगा। बड़ी मुश्किल से इतनी धनी आसामी मिली है। Thank you.
हाय हाय, चांद सा रोशन चेहरा। अब पूरे मकान की मालकिन तुम। ये लो ये चाबियों का गुच्छा, इसमें घर की भी चाबी है और तिजोरी की भी। अब ये सब तुम्हारा, इसका वजन मुझसे सहा नहीं जाता। किसी की नजर ना लगे। कौन नजर लगावेगा जी मारे? नजर तो अब सारी तुम्हारी लागनी है मारे। पूरी दुनिया की नजरों से तुझे बचा के रखेगा ये जेठा। अब इन गहने को तो उतार दो, ये सब चुभता नहीं तुझे? हटा दो ये सिंगार, अब तुम ही उतारना ने हाथा से। पर उससे पहले मारे हाथा से दूध तो पी लो, काजू बादाम पिस्ता वाला। उठिए जी, ये लो दूध पी लो हमारे हाथा से। जी सबर करो, नहीं जल्दी हो रही है आपने। सबर ही तो नहीं हो रहा है जी, तुम्हारे जैसी कमसीन कन्या मेरी पत्नी बनेगी, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब तो तुम्हारी सुंदरता का नशा मेरे सर पे छाने लगा है। और जी इस उम्र में इतना नशा अच्छा कौन है? क्या हो रहा है आपको? कुछ नहीं, बहुत सुंदर। क्या हुआ जी? बड़ी देर कर दी छोरी ने, आई क्यों ना अभी तक? बुआ फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर ट्रेनिंग तो तन्ने दिया ना। कच्ची को नहीं है छोरी, अपने काम में पूरी मास्टर है मास्टर। ठीक से समझा दिया था ना तने? समझा दिया था मैंने बुआ, तो टेंशन मत कर। तो मैंने एक बात बता, गजोधर माखन लाखन ज्ञानेश्वर कोई बच पाया उसके वार से? सारे अधेड़ों को अपने कमसन जवानी के वार से ना चारों खाने चित कर दिए छोरी ने। अरे छोरी आजा आजा आजा। हाँ छोरी वाह, महेश थारी बात तो एकदम सच हो गई, इसने भी चारों खाने चित करके आ गई छोरी।
थारी बलाएं तार लो, और इस बार सबसे ज्यादा हिस्सो थारो, क्योंकि सारो कमाल तो थारो ही है, हैं? ये एक शातिर गैंग था जो लालची और अय्याश लोगों को नाबालिग लड़की से शादी करने के जाल में फंसाया करता था, और इनकी ठगी के शिकार पुलिस में इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखवाते थे क्योंकि नाबालिग लड़की से शादी करने के जुर्म में कहीं ये खुद पुलिस के जाल में फंस न जाए, इसलिए ऐसी शादी गोपनीय तरीके से की जाती थी ताकि इस शादी के बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो। तभी तो पुलिस को इस लड़की की लाश मिलने के बावजूद भी कहीं से भी ये पता नहीं चला कि ये शादी कहां और कैसे हुई थी, और तो और इस लाश की शिनाख्त के लिए कोई आगे भी नहीं आया था। लालच एक बुरी बला है, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी। जी हाँ, लालच एक ऐसी बला है जिसके जाल में फंसकर इंसान अपनी जिंदगी को नर्क बना देता है। जेठाराम बहुत ही अमीर था, पैसे वाला था, बौना था, अपने बौनेपन की कमतरी का शिकार पैसों के दम पर ये शादी रचाने चला। एक नाबालिग लड़की से शादी करने के लालच में वो लूट का शिकार बन जाएगा, ये उसे कतई पता नहीं था। अब दूसरी तरफ इस लूट की वारदात को अंजाम देने वाली मंगला की गैंग थी। मंगला गरीब थी और गंगा को मोहरा बनाकर पैसे बनाने के लालच में मंगला अंधी हो गई थी। ना ही जेठाराम को पता था और ना ही मंगला को पता था कि उनके इस लालच का अंजाम क्या होगा। सर, सर, लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसके मुताबिक वो नाबालिग थी पर कुंवारी नहीं थी, और इसमें उसके साथ रेप का कोई सबूत भी नहीं है। उदय, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी वजह से कोई उसे पहचानने के लिए आगे नहीं आया कि वो लड़की नाबालिग है? क्योंकि न सिर्फ नाबालिग से शादी करना कानूनन अपराध है, बल्कि उस शादी के लिए सहमत होना और उसमें शामिल होना उससे भी बड़ा अपराध है। सर, हो सकता है वजह यही हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि उसकी शादी में कोई शामिल हुआ ही ना हो। हो सकता है, फिर भी अगर उस शादी में बाराती ना भी हो तो पंडित तो जरूर रहा होगा। यस सर। तो पता करो आसपास के पंडितों से कि किसने इसकी शादी करवाई। क्विक क्विक। यस सर। जयराम जी के इंस्पेक्टर साहब। जयराम जी। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? सुना है पंडित जी इस बार सबसे ज्यादा शादियां आप ही ने करवाई हैं। सब भगवान की कृपा है। जी हाँ। इसकी शादी भी आप ही ने करवाई? इंस्पेक्टर साहब, इस बच्ची को मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, ऐसी कोई शादी का लेखा जोखा है जिसमें कोई शोर शराबा ना हुआ हो? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हर शादियों में धूम धड़ाका तो होता ही रहता है, लेकिन जिन शादियों में हल्ला गुल्ला नहीं होता वो मंदिर के पीछे चुपचाप से शादी करके निकल जाते हैं। ज्यादातर ये प्रेमी जोड़े होते हैं या फिर वो बेचारे जो दूसरी तीसरी ब्याह करना चाहते हैं। और ऐसी शादियों का कुछ लेखा जोखा होता है मंदिर में? इस माह में 2-4 शादियां हुई हैं, उनमें से एक जेठाराम सेठ है, उन्होंने कुंवारी कन्या से ब्याह किया था और उन्होंने आग्रह किया इसकी भनक किसी को ना पड़े। कहाँ मिलेगा ये आपका जेठाराम? यहाँ से आधा कोस दूर जेठाराम की कोठी है। जेठाराम तुम ही हो, कपास के व्यापारी? जी साहब। कौन कौन है घर में? मैं अकेले रहता हूँ साहब, बचपन में ही माँ और बाबूजी दोनों ही गुजर गए। और बुढ़ापे में बीवी गुजर गई है ना? साहब, इस बात का मुझे बेहद दुख है। बहुत दुख है, शर्म नहीं आती? एक नाबालिग लड़की से गुपचुप शादी करते हो और उसकी हत्या हो जाती है, उसका दुख नहीं है तुम्हें? बहुत दुख है साहब। और फिर उसकी लाश की शनाख्त के लिए मैंने पोस्टर लगवाए और उसकी पहचान के लिए तुम थाने भी नहीं आए, कोई तो वजह होगी। देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें सब कुछ सच सच बता दो, वरना तुम्हें तुम्हारी बीवी के मर्डर के इल्जाम में अंदर कर देंगे, समझे? भारी भूल हो गई साहब। साहब, मैं तो बस शादी करना चाहता था।
और इस बात के लिए पड़ोस के गांव के लखन पंडित से मैंने बात की, बस और कुछ नहीं साहब। गंगा से ब्याह रचाने के लालच में मैं लूट गया साहब, बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लूट कर वो भाग गई। गंगा, गंगा, गंगा! बर्बाद हो गया गंगा, मेरा सब कुछ लूट कर वो भाग गई। तुम्हारी भी शादी उसी ने कराई थी गंगा से? जी साहब। क्या नाम है उस पंडित का? लखन पंडित साहब। पंडित जी खंभा घड़ी घड़ी खंभा, पधारो पधारो। धन्यवाद पंडित जी। जजमान जी, आप इस क्षेत्र में नए नए दिखो हो, पहले कभी देखा नहीं, कहाँ से आए हो? हाँ पंडित जी, नया गिरिजा शंकर नाम है मेरा, पास के गांव में जो ऑयल फैक्ट्री है वो हमारी है। बड़ी दूर से आए हैं पंडित जी, बड़े उम्मीद से आए हैं, और मेरी समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। अरे जजमान जी, समस्या का समाधान ना हो तो हम काय के पंडित, अरे ये तो हमारा धर्म है। बोलिए बात क्या है? पंडित जी, बहुत उम्र हो गई, कोई लड़की हमसे ब्याह नहीं करना चाहती, कुछ करो पंडित जी ताकि हमारी शादी हो जाए। देखो जजमान जी, खेल तो बन जाएगा, लेकिन उसके लिए सोना चांदी और घड़ा रोकड़ा भी लगेगा। हाँ, लड़की जवान होगी इसकी पूरी गारंटी है। बोलो, तैयार हो? अरे पंडित जी, आप उसकी चिंता मत करो, जितना भी रोकड़ा लगेगा, हीरे जवाहरात सब दूंगा पंडित जी, आपको भी दूंगा और उस लड़के को भी दूंगा पंडित जी। जजमान जी, तो ब्याह पक्का समझो, तो करा दो हमारा ब्याह पंडित जी। हाँ कल आ जाओ जजमान जी, यहीं से हम साथ में चलते हैं। देव जी, ये है हमारे सेठ, सेठ श्री गिरिजा शंकर जी। खंभा घड़ी, घड़ी खंभा, ऑयल मिल वाले। हाँ, इनकी बहुत बड़ी ऑयल की मिल है, मैंने आपको बताया था ना, वही है ये। बस एक बार थारी गंगा को देख ले भाई, हमारे सेठ जी को पसंद आ गई तो बस रिश्ता पक्का, और जल्दी ही ब्याह भी हो जावेगो। क्यों सेठ जी? अरे मंगला, अपनी भतीजी ने लिया, अब कुंवर साहब आ गए हैं। खम्मा घड़ी कुंवर साहब। घड़ी खम्मा, एक ही धन है हमारे पास, मारी छोरी गंगा। आपको पसंद आ जावे तो फिर बात आगे बढ़ावा। कितना पवित्र नाम है गंगा। पंडित जी, ये लड़की हमको पसंद है, यही है हमारे सपनों की रानी। लेकिन पंडित जी, दान दहेज में फूटी कौड़ी भी ना दे सकूंगी। अरे दान दहेज कौन मांग रहा है आपसे, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, अपनी छोरी को हमारे साथ एक जोड़ी में विदा कर दो, हम तो बस गंगा से विवाह करेंगे। जो सब क्या चल रहा है मासा? क्यों नहीं सब? मारी बहन नाबालिक है, नाबालिक। पंडित जी, ये ब्याह नहीं हो सके। अरे ढिलोरा पीट के थोड़ी ना ब्याह करेंगे, अरे कहीं भी चुपके से कहीं कोने में बैठ के ब्याह कर लेंगे। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। और कोई घड़ा पैसा वाला है थारा जीजा? हाँ, 25 तोले सोना ही नहीं, 5 किलो चांदी और 5,00,000 नकदी भी दे देंगे, है ना? हाँ, आपने कबूल किया था ना? हाँ, फिर? हाँ। सिर्फ छोरी को क्यों, मैं तो पूरे परिवार को गहने चढ़ाऊंगा, पर वो भी सोने के नहीं, लोहे के। खेल खत्म हुआ तुम लोगों का। उदय सिंह, इन सब को गिरफ्तार करके थाने ले चलो, चलो अरेस्ट करो, इस पंडित को भी ले चलो। नहीं साहब जी, साहब जी मैंने छोड़ दो, साहब जी, साहब जी मैंने कुछ नहीं करिया, साहब जी मैं तो एक अनाथ लड़की हूँ साहब जी, यो चाची बोली
की एक्टिंग करेगी तो 1000 रुपया दूंगी। तुम्हें लालच में आके साथी कुछ नहीं किया। पूरे गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद भी गंगा की हत्या की गुत्थी उलझ कर रह गई। हत्या का कारण क्या था जान पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। पुलिस उन तमाम लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी जिन्हें इस गिरोह ने ठगा था। मंगला के लिए गंगा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी और वो महेश की प्रेमिका थी, इसलिए पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गए कि ये दोनों गंगा की हत्या नहीं कर सकते। लेकिन एक बार फिर पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि गंगा की हत्या किसने की और क्यों? मैं कमिन सर। हाँ कमिन कमिन सर। कुछ पता चला इंटरोगेशन से? सर मंगला ने जितने भी लोगों के नाम बताए थे उनमें से कुछ विधवा और कुछ शादीशुदा औरतों से शादी करके घर बसा चुके हैं, कुछ शहर छोड़ के चले गए हैं और कुछ दुनिया छोड़ के। लेकिन सर उनमें से एक है प्रताप। पता चला है कि उसने गंगा से शादी करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचकर दुगनी कीमत चुकाई है और जब गंगा उसको लूटकर भाग गई तो उसको हार्ट अटैक हो गया। बहुत मुश्किल से बचा है सर और अपनी बर्बादी के लिए वो गंगा को जिम्मेदार समझता है। कहाँ रहता है ये प्रताप? क्या बताऊं साहब, मंगला ने गंगा की कमसिन जमानी का जो जाल फेंका था मैं उससे नहीं बच सका। मुझे क्या पता था कि इस शादी के पवित्र रिश्ते की आड़ में झांसा देकर लूट का धंधा भी चलता है सर। सुना है कि इस शादी के लिए तुमने कर्ज लिया था? सर मेरी मती मारी गई थी। मैंने सोचा था इस शादी में दुल्हन के ऊपर जो मैं गहना चढ़ाऊंगा उसे बाद में गिरवी रखकर मैं सारा कर्जा चुका दूंगा और छोटा मोटा धंधा भी कर लूंगा। लेकिन साहब वो तो सारा गहना पहनकर भाग गई साहब। सर मेरे सपने चकनाचूर हो गए। ये तो होना ही था। और उसके बाद तुमने गंगा और मंगला को ढूंढने की कोशिश नहीं की? की थी साहब, लेकिन पता चला वो उस घर में थोड़े दिनों के लिए किराए पर रहने के लिए आई थी। सर मैं समझ गया मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ। तो तूने कंप्लेन क्यों नहीं की? साहब मैं बुरी तरह बर्बाद हो गया था, सड़क पर आ गया था और मैं इस बात से भी डर रहा था कि लोग कहते हैं कि गंगा नाबालिग है। मैंने सोचा अगर मैं शिकायत करूंगा खुद ही फंस जाऊंगा, इसलिए शिकायत नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस के पास जाने के बजाय तूने खुद ही गंगा से बदला लेने का फैसला ले लिया और उसकी हत्या कर दी? नहीं नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा साहब। ऐसा मत कहिए साहब, मैंने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा उसे? क्यों उसकी बुआ कह रही है कि उसके आखिरी शिकार तुम थे? नहीं साहब ये गलत है, झूठ है, एकदम झूठ है साहब। जब मुझे गंगा लूटकर चली गई उसके कुछ दिन बाद मैंने उसको किसी दूसरे आदमी के साथ घूमते देखा है। गजेंद्र बाबू, जी आप कौन? आप रहो शुभचिंतक, मैं आपको ये बताने आया हूं कि वो लड़की है ना गंगा जिसके साथ आप घूम रहे हो वो मारी पत्नी है। क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं कर रहा हूं, मारी तरह न जाने कितने लोगों को वो ठग चुकी है। पहले शादी कर लो, उसके बाद सुहाग रात के दिन दूध के गिलास में नशा मिला के नगदी और घड़े चुरा के भाग जाना, यही उसका काम है। आपसे कितना चढ़ावा मांगा उसकी बुआ ने? मारे से किसी ने कोई चढ़ावा ना मांगा, थाने ना कोई गलत फहमी हुई। मारी गंगा ऐसी लड़की कौन है? वो बहुत ही बढ़िया लड़की है और मारे से घणो प्यार करे और जल्दी हम लोग शादी करने वाले। ओ तो अभी तक फसाड़े का काम चल रहा है, जब शादी की बात आएगी तब पता चलेगा। अरे हम तो भुक्त भोगी है, तो मैं सावधान करने चले आए थे, बाकी थारी मर्जी। देखिए साहब मैं तो गजेंद्र को केवल सचेत करने गया था,
और उसके बाद में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम सर। सर हो सकता है कि शादी की रात गंगा ने उसके साथ वही गेम खेलने की कोशिश की हो और गजेंद्र ने उसकी हत्या कर दी। हाँ, हो सकता है सर। हाँ हो सकता है। तो मुझे बताओ गजेंद्र कहाँ रहता है? साहब वो रईस आदमी है और शहर के किनारे पर उसकी कोठी है। हाँ सर मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं निर्दोष हूँ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. मुझे तो लगता है इसका मर्डर भी तभी हुआ है जब गंगा की लाश मिली थी। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। न तो लाश के पास खून, न शरीर पे कोई घाव और न ही गर्दन दबा कर मारने के कोई निशान। मुझे तो लगता है कि इसकी मौत जो है वो हार्ट फेल से हुई है। या फिर या इसको जहर देके मारा गया। सर सुहाग सेज भी है, दूल्हा भी है और दूध का गिलास भी है। मुझे तो लगता है ये उन्हीं लोगों का कांड है। लेकिन इसके बारे में मंगला ने हमें कुछ नहीं बताया और ना ही पंडित के पास इसका कोई लेखा जोखा था। पर सर हो सकता है गंगा खुद ही ये सारा गेम खेलकर भाग गई हो। लेकिन इसकी हत्या किसने की? उदय जी सर इस आदमी के बारे में पूरी जानकारी निकालो। जी सर। क्या ये आदमी गंगा को जानता था? क्या इसने गंगा से शादी की और की तो कहां और किसने करवाई? ठीक है सर। उसके बाद ये अपने आप साफ हो जाएगा कि इस कांड में पूरा गिरोह शामिल था या सिर्फ गंगा। अरे हमने तुमसे फाइल मांगी थी, क्या वो फाइल का देखो सर। अरे इंस्पेक्टर कुछ पता चला? हाँ सर, गजेंद्र आर्य समाजी था और इसीलिए उसने आर्य समाज मंदिर में शादी की थी और उस शादी में दूल्हा दुल्हन के सिवा गिरोह का कोई भी आदमी शामिल नहीं था। ये शादी की फोटोग्राफ सर। ओ साहेब अब तो थारे को विश्वास हो गया ना, ये शादी हमने नहीं करवाई। साहेब क्यों पकड़ के रखा है हमको? छोड़ दो ना साहेब, छोड़ दो ना हमारे को। ठीक है हम तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन तुम दोनों शहर से बाहर नहीं जाना। उदय सिंह। जी सर। इनसे बॉन्ड भरवा के इन्हें जमानत पे छोड़ दो। ठीक है सर। बुआ भारी वो लाल वाली कमीज कटे है। अरे ऐठी होगी, ढूंढ ले, माने मारा पीसा संभाल दे। और सुन जल्दी जल्दी सारा सामान बांध ले, अब अगर पुलिस के हाथ पड़ गए ना तो फिर वापस ना पाएंगे। वो मारी फिक्र मत कर, अरे अपना सामान बांध। वाह रे भैया वाह, धोखेबाजी कर निकल, भागवा की तैयारी में हो। अरे कैसी धोखाधड़ी रे शांतिलाल, और थारे साथ किसने की धोखाधड़ी? इस छोरे ने। ये जो छोरा पिछली बार गहना बेचने गया है नहीं, तब नकली है। अरे ओ शांतिलाल नकली कोनी है यू, खरा सोना है खरा सोना, ध्यान से देख। अब असली है तो तू ही राख, मन तुम्हारा पैसा वापस दे दे। पैसे चाहिए था ना? हाँ रुक ताऊ तेरे। पकड़ तेरे पैसे।
ये महेश, ये गहना तो गंगा कभी ना लाई, ये थारे कने कहीं आया? देख साची साची बता। या वो गहने है बुआ जो आखिरी दफे उस गंगा ने पहन रखे थे। हम सबने धोखा देन जा रही थी वाह, उस गजेंद्र गला ब्याह करके हम सबने छोड़ने की ठान ली थी उसने। वो तो जिस दिन वह बगैर बताए घर से बाहर निकली ना, तो मन्ना उसका पीछो कियो, सब कुछ बताने लग रही थी उसने। सुनो जी, मारे को तुमसे कुछ कहना है। बोलना क्या बात। वे सारा लोग नकली था जिनसे तुम मिलिया, मारा बापू, मासा, मारी बुआ और मारो भाई, उनकी सारी बातें भी झूठी थी। उनमें से कोई भी मारो सगो संबंधी ना तो ये सब लूटपाट करने के खातिर एक तमाशा था, और ऐसा तमाशा हमने पहले बहुत करियो है, लेकिन अभी तमाशा से गंगा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जो तू कह रही है वो सच है? कल तक यही सच था जी, पर अब मैं ये सारा लूटपाट का धंधा खत्म करके तुम्हारे साथ ब्याह करके अपनी घर गृहस्थी बसाना चाहूं। गंगा, ब्याह कब करना? सारी रात बैठ के काटनी है क्या? घूंघट नहीं उठाओगे? एक बात पूछा तुमने? पूछो। तुमने महाराज से ब्याह क्यों रचायो? गंगा, जब थारे को पहली बार देखा था ना, तभी थारे से प्यार हो गया था। बाद में पता लग गयो के तू और तारी बुआ मिलकर शादी जैसे पवित्र रिश्ते के नाम पर पैसा के खातिर इतना बड़ा पाप कर रही हो, तभी मैंने सोच ली कि पाप के दलदल से मैं तने बाहर खड़ूंगा, इसीलिए मैंने तुझसे शादी की। तने पता है मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तारे नाम लिख दी, पैसा के खातिर ना तुम्हें कभी कोई गलत काम ना करना पड़ोगे। सुनो जी, ब्याह ने पवित्र नाम बोलकर निभाओगे कोनी के? अरे मैंने पूरा तन मन से तुमसे ब्याह रचायो है। अपने दिल की गहराई से तारे से प्यार कर, आज के बाद ना तुम्हें कभी कोई परेशानी ना होगी। ओ जी, के हो गयो तुम्हारे? ओसो मेरे से खांसी हो रही है। पानी, ये पानी लो जी। तुम ठीक हो? हाँ ठीक है, दो चार दिन से मारे खांसी थी, पर अभी तो ठीक हूँ। मैं हल्दी वाला दूध लाती हूँ तुम्हारे लिए। ओ रे बाद है, मैं ठीक हूँ। मैं लाती हूँ। ये दूध पी लो जी, मैं तुम्हारे लिए हल्दी को दूध लाई। या लाइट ने क्या हो गया? मैंने लगे फ्यूज उड़ गया, मैं देखता हूँ। ये पकड़। पर मारे को डर लगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो चल, तू भी चल मेरे साथ।
बिल्कुल ढीले हो गए हो। इलेक्ट्रिशियन ने बुलाया, कल सुबह ठीक करा दूंगा। ये दूध पी लो जी, सवेरे तक तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। तारे हाथ से तो दूध भी अमृत का समान है हमारे लिए। गंगा, क्यों हो गया? अरे तू, थारे को कहां से खबर लग गई? जब कोई कितना चाहवे ना तो खबर तो रखनी पड़े। ए सॉरी, क्यों क्या कर दिया तन्ने? हाँ मन्ने, मन्ना तो लगा है भगवान को प्यारो हो गयो। एक काम कर, तू चल, तू मेरा गला चल, वरना लफड़े फांसी क्यों चल? घड़ी मत सोच, चल मेरा गला। अरे घबरा मत, चल तू चल। छोरी तन्ने भी कमाल कर दियो अपने मन की, हैं? ब्याह भी करन लगी, वो भी एक बीमार था। जे की दिल की धड़न थारे से मिलके इतनी बढ़ गई हो ना कि उको अटैक ही आ गए हो और वो भगवान को प्यारो हो गए हो। गंगा, कहीं तन्ने दूध में हल्दी की जगह जहर तो ना मिला दियो? महेश, तने मारी सुगन, मैंने सच सच बता, तूने कहीं मिलाया तो दूध में? गंगा, मैं तेरे से प्यार करूं तो क्या सोची थी कि तो मन्ना छोड़ के जावेगी और मैं तने जान दूंगा? यो तने ठीक ना क्यों महेश, तने भला मनस की जान ले ली, मैं अभी पुलिस में जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं तेरे से प्यार करूं और तो हमारी रिपोर्ट पुलिस में लिखावेगी? हाँ, पुलिस में लिखावेगी हमारी रिपोर्ट? हाँ, हाँ लिखाओगी। हाँ? तू रोक के दिखा, मैंने कैसे लिखाएगी बता, कैसे लिखाएगी? मैं कराऊंगी रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट कराएगी मेरी? हाँ? 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 महारी रिपोर्ट लिखाएगी? हाँ? मोहरी से बोट दिखाएगी तू? और उसके बाद मैं गुस्से से बेकाबू हो गयो कि कहीं वह छोरी थाने में जाके हरा भांडोना फोड़ दे तो मन्ना उसका गलो दबा दियो। मर गई 2 मिनट में। अच्छा, पर यो बता, ये सारा गहना तू अकेले ही हड़प करना चाह रहा था के तटे मारा हिस्सा? हिस्सा तो मिलेगा, मगर जेल ये गहने जो है वो नकली ना, असली, जो तन्ने गंगा को मार के शांतिलाल को बेचा था और वो मैं शांतिलाल से बहुत पहले जब्त कर ली। फोटो में ज्वेलरी देख के मैं समझ गया था कि ये सुनार तक कैसे पहुंची। ले चलो सबको थाने, चल, ले चलो, चल।
नाबालिग से शादी करना जुर्म है और ये जानते हुए भी हवस में डूबे कुछ लोग ये जुर्म कर बैठते हैं। उनकी इसी हवस और लालच का फायदा उठाकर कुछ लोग उन्हें धोखा देकर उन्हें लूटने का जुर्म करते हैं। दूसरों को धोखा देने वाला जब खुद धोखे का शिकार बन जाता है तब वो हत्या जैसे जुर्म पर उतारू हो जाता है। हवस और लालच से आप लोग दूर ही रहे, ना ही किसी को धोखा दे और ना ही दूसरों के धोखे का शिकार बने। सुरक्षित रहें।